हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फिट एंड फाइन। वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर लेसन नंबर 2.2, द थ्री क्वेश्चंस। ओके, तो इस लेसन में एक राजा है, उसको तीन सवालों के जवाब चाहिए होते हैं। तो वो तीन सवाल कौन से हैं कि अगर उसको समझ में आए कि कोई भी सही काम करने के लिए सही वक्त कौन सा होना चाहिए और उसको कौन से राइट पीपल का सुनना चाहिए और किसको उसको अवॉइड करना चाहिए, और थर्ड क्वेश्चन होता है कि कौन सा महत्वपूर्ण काम है जो उसे करना चाहिए। ऐसे तीन क्वेश्चन का सवालों का आंसर उसको चाहिए होता है। इसके लिए वो अपने किंगडम में एक प्रोक्लेमेशन डिक्लेरेशन करता है कि जो भी कोई उसके तीनों सवालों का जवाब देगा उसे वो अच्छा इनाम देगा। बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन हर एक अलग अलग क्वेश्चन के अलग अलग आंसर देते हैं, तो किसी भी आंसर से सेटिस्फाइड नहीं होता है और इसके लिए वो किसी को भी रिवार्ड भी नहीं देता है। तो आगे क्या होता है देखते हैं। उसने डिसाइड किया इंस्टेड टू गो टू हर्मिट। इसलिए उसने सोचा कि उसे एक हर्मिट के पास जाना चाहिए। हर्मिट मतलब एक पर्सन होता है जो जंगल में अकेले में रहना पसंद करता है, उसे हम साधु भी कह सकते हैं या उपदेशक भी कह सकते हैं। हु वॉज वाइडली रिनोन्ड, जो रिनोन था, फेमस था, पॉपुलर था, वाइडली मतलब बहुत जगह, मतलब पूरे उसके किंगडम में, फॉर हिज विजडम, उसके विजडम के लिए, उसके ज्ञान के लिए। ओके, द हर्मिट लिव्ड इन अ स्मॉल हट इन अ फॉरेस्ट। वो हर्मिट, वो उपदेशक, वो साधु एक फॉरेस्ट में, एक छोटे से झोपड़े में रहता था विच ही नेवर लेफ्ट, जो झोपड़ा छोड़ के वो कभी भी बाहर नहीं आया था, मतलब वो झोपड़े में जंगल में रहता था। ही स्पोक ओनली टू अ कॉमन फोक, और वो कॉमन फोक से ही, मतलब कॉमन पीपल से ही बातचीत करता था। सो द किंग पुट ऑन सिंपल क्लोथ्स, इसलिए राजा ने क्या किया, सीधे कपड़े पहन लिए, सीधे साधे कपड़े पहने, एंड अप्रोचिंग द हर्मिट सेल, और वो हर्मिट के सेल मतलब स्मॉल हट, वो जो उसकी झोपड़ी थी उसकी ओर चल दिया। डिसमाउंटेड हिज हॉर्स, बाद में पहुंचने के बाद, अप्रोचिंग हर सेल के, उसके झोपड़े के नज़दीक आते ही वो डिसमाउंटेड मतलब नीचे उतरा, एंड लेफ्ट हिज बॉडीगार्ड बिहाइंड, अपने जो बॉडीगार्ड थे उसको उसने क्या किया, उधर ही बिहाइंड पीछे रहने के लिए कहा कि आप इधर ही रुको, समझो 1 किलोमीटर वगैरह रहेंगे समझो, तो उनको कहा होगा कि आप इधर ही रुको, क्योंकि अगर वो उनके साथ अगर जाता है तो उसको शायद शक होगा कि भाई ये बहुत बड़ा कोई आदमी होगा, इसलिए उसके साथ इतने सारे बॉडीगार्ड आए हैं। व्हेन द किंग अराइव्ड, जब राजा अराइव, वो हर्मिट के झोपड़े के पास पहुँचा, द हर्मिट वॉज डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। हर्मिट क्या कर रहा था, जो उसके झोपड़े के सामने की जो जमीन थी उसको वो डिगिंग खोद रहा था। ही ग्रेटेड द किंग, हर्मिट ने क्या किया, राजा का स्वागत किया, ग्रेटेड वेलकम्ड, हाय हेलो वगैरह उसका स्वागत किया। बट वेंट ऑन डिगिंग, लेकिन उसने अपना काम, वो खुदाई का काम जारी रखा। द हर्मिट वॉज फ्रेल एंड वीक, हर्मिट जो कैसा दुबला पतला कमज़ोर था, एंड ईच टाइम ही स्ट्रक द ग्राउंड, जब जब वो जमीन खोदता था, मतलब विथ द स्पेड, अपने स्पेड से, स्पेड मतलब एक टूल होता है फॉर डिगिंग के लिए, उसका हम फावड़ा कह सकते हैं, कुदाल कह सकते हैं, जब वो कुदाल या फावड़ा जमीन में गड़ देता था हर एक स्ट्रक के साथ, एंड टर्न ओवर लिटल अर्थ, उसके साथ थोड़ी सी मिट्टी भी बाहर आती थी। ही ब्रेद्र हेवीली, और वो हांपने लगता था, ब्रेद्र हेवीली हांपना, क्योंकि वो तो कमज़ोर था।
द किंग वेंट अप टू हिम एंड सेड, राजा उसके पास गया और कहा, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट, हे ज्ञानी हर्मिट, मैं आपके पास आया हूँ टू आस्क यू टू आंसर थ्री क्वेश्चंस, मुझे मेरे तीन क्वेश्चन के आंसर चाहिए आपसे। पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कि मैं कैसे सीख सकता हूँ राइट थिंग, हर एक सही सही बात, एट द राइट टाइम, सही समय, सही समय सही बात करने के लिए मैं कैसे सीख सकता हूँ। हु आर द पीपल आई मोस्ट नीड, मुझे जो लोगों की ज़रूरत होती है वो कौन से लोग होने चाहिए, एंड टू हुम आई शुड देयर फॉर पे मोस्ट अटेंशन, और उन कौन से ज़रूरत लोगों को मुझे अटेंशन ध्यान देना चाहिए, उनका सुनना चाहिए। एंड थर्ड क्वेश्चन, व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मुझे बहुत सारे काम करने होते हैं लेकिन उनमें से कौन से महत्वपूर्ण काम है एंड नीड माय फर्स्ट अटेंशन, और बहुत कामों में से किसको मैं पहले अटेंशन देना चाहिए, पहला काम कौन सा करना चाहिए। द हर्मिट लिसन टू द किंग, हर्मिट ने वो सारे क्वेश्चंस राजे से सुने, बट सेड नथिंग, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं। ही जस्ट पैट ऑन हिज हैंड, वो खुदाई कर रहा था, समझो हाथ की पकड़, जो उसका जो ढीली न हो जाए इसलिए उसने हाथ पे थोड़ा सा थूका, एंड रिज्यूम डिगिंग, और उसका काम अपना खुदाई का शुरू किया। द किंग वॉच इन साइलेंस फॉर अ व्हाइल, राजा उसकी तरफ साइलेंस शांत होके देखने लगा फॉर अ व्हाइल, थोड़ी देर के लिए। देन फीलिंग सॉरी फॉर द हर्मिट, बाद में उसके हर्मिट के लिए उसको सॉरी, खूब बुरा लगा कि भाई इतना कमज़ोर आदमी है, वो खुद काम कर रहा है। ही सेड, उसने कहा, यू आर टायर्ड, आप थके हो, लेट मी टेक द स्पेड, आप वो स्पेड जो फावड़ा है वो खुदा ले मुझे दे दो, एंड वर्क अ व्हाइल फॉर यू, और थोड़ी देर आपके लिए मुझे काम करने दो। द हर्मिट साइलेंटली हैंडेड ओवर द स्पेड, हर्मिट ने भी साइलेंटली कुछ न बोलते हुए उसको वो स्पेड दे दिया, एंड सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और उधर नीचे जमीन पे बैठ गया। व्हेन ही हैड डग टू बेड्स, जब उसने दो बेड्स मतलब अभी समझो झोपड़ा है, झोपड़े के आगे ही उसकी खेतीबाड़ी है, खेतीबाड़ी में समझो वो कुछ वेजिटेबल वगैरह लगाता होगा, तो वेजिटेबल के लगाने के लिए छोटे छोटे बेड होते हैं, बेड मतलब छोटा सा पार्ट, ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। उसने दो पार्ट्स ऐसे खोदने के बाद, द किंग स्टॉप्ड, राजा रुका, एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, और फिर वही तीन क्वेश्चन उसने हर्मिट को पूछे। द हर्मिट अगेन गेव नो आंसर, हर्मिट ने फिर कोई जवाब नहीं दिया, बट रोज, लेकिन वो खड़ा हुआ, स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड, और स्पेड मांगने के लिए हाथ आगे किया, कुछ बोला नहीं, खाली हाथ आगे किया, एंड सेड, और कहने लगा, नाउ रेस्ट अ व्हाइल, अब आप क्या करो, थोड़ी देर के लिए रेस्ट करो, एंड लेट मी वर्क अ बिट, और मुझे थोड़ा काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, लेकिन राजा ने उसको वो स्पेड वो कुदाल या फावड़ा दिया नहीं, एंड कंटिन्यू टू डिग, और फिर वो काम करने लगा। वन आवर पास्ट, एक घंटा गया, एंड अनादर, दूसरा भी घंटा पास हुआ। द सन बिगैन टू सिंक बिहाइंड द ट्रीज, अभी सूरज भी ट्रीज पेड़ों के पीछे डूबने लगा। एंड द किंग एट लास्ट टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड, और राजा ने भी लास्ट में क्या किया, वो ग्राउंड में उसका स्पेड जो है कुदाल है फावड़ा है वो स्टक किया, एंड सेड, और कहने लगा, आई केम टू यू वाइज हर्मिट, हे ज्ञानी हर्मिट, मैं आपके पास आया हूँ फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। इफ यू कैन गिव मी नन, अगर आप मेरे कोई भी सवालों का जवाब नहीं दे सकते हो, प्लीज से सो, तो वैसे मुझे बताओ, एंड आई विल गो होम, और मैं घर जाऊंगा। हियर कम्स समवन रनिंग, सेड द हर्मिट, हर्मिट ने क्या कहा, रुको, कोई तो दौड़ के इधर आ रहा है, लेट अस सी हु इट इज, पहले देखने दो वो कौन है, आई होप
आपको यहाँ तक अच्छी तरह समझ में आया होगा। इफ़ यू अंडरस्टैंड वेल प्लीज़ शेयर, कमेंट इन द बॉक्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो इसके ऊपर अगर ये पैसेज एग्ज़ाम में आता है तो इसके ऊपर किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे वो अब हम देखेंगे। तो ये पैसेज अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो किस तरह के क्वेश्चन होंगे ये हम देखते हैं। क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द गिवन एक्टिविटीज़। ए वन, सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटीज़ 2 मार्क के लिए। वन, कंसिडर दिस लिस्ट ऑफ द डिफरेंट थिंग्स दैट हैपन एंड रीअरेंज देम इन प्रॉपर सिक्वेंस। हमें कुछ सेंटेंस दिए हैं तो हमें उनको प्रॉपर सेंटेंस में लिखना है। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट सेड नथिंग। द हर्मिट ग्रीटेड द किंग। द सन बिगैन टू सिंक बिहाइंड द ट्रीज एंड द किंग वेंट अलोन टू सी द हर्मिट। ये हमें 4 सेंटेंस दिए हैं। ये 4 जो हैपनिंग्स है तो किस पहला कौन सा हुआ है ऐसा हमें लिखना है। समझो ये देखो, ये फर्स्ट, द किंग वेंट अलोन टू सी द हर्मिट, ये पहला इंसिडेंट है। सेकंड, द हर्मिट ग्रीटेड द किंग। थर्ड वन, द हर्मिट लिसन टू द किंग बट सेड नथिंग। एंड फोर्थ, द सन बिगैन टू सिंक बिहाइंड द ट्रीज। मैंने यहाँ पे नंबर लिखा है, आपको ऐसे नंबर नहीं लिखना है, आपको एक के नीचे दूसरा लिखना है। ओके, सेकंड, रीड द पैसेज एंड आंसर वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। द हर्मिट स्पोक यूजुअली टू एवरीवन, हर एक के साथ बात करता था। फॉल्स, नहीं, कॉमन पीपल के साथ बात करता था। द हर्मिट वॉज वाइडली रिनोन्ड फॉर हिज विजडम, ये ट्रू है, वो पॉपुलर था। थर्ड, द हर्मिट वॉज वीक, ट्रू। द किंग हैड डग 3 बेड्स, फॉल्स, उसने 2 बेड्स खुदे थे। ओके, ए टू, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटीज फॉर 2 मार्क्स। वन, व्हाई डिड द किंग गो टू द हर्मिट इन डिसगाइज, उसने डिसगाइज मतलब कपड़े चेंज करके क्यों गया। द हर्मिट स्पोक ओनली टू कॉमन फोक, कॉमन पीपल से बात करता था वो। द किंग थॉट दैट, राजा ने सोचा कि ही माइट नॉट गेट द आंसर्स फ्रॉम द हर्मिट, हर्मिट से उसे आंसर नहीं मिलेंगे। सो द किंग पुट ऑन सिंपल क्लोथ्स एंड वेंट टू मीट द हर्मिट। ओके, हाउ डिड द हर्मिट रेस्पॉन्ड टू द किंग्स क्वेश्चंस, जो राजा ने क्वेश्चन पूछे उसको उसने कैसा रेस्पॉन्ड किया। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट सेड नथिंग, उसने कुछ बोला ही नहीं। ही जस्ट पैट ऑन हिज हैंड एंड रिज्यूम्ड डिगिंग, उसने अपने हाथ पे थूका और अपना काम शुरू रखा। एक्टिविटीज 3, एक्टिविटीज बेस्ड ऑन वोकैबुलरी फॉर 2 मार्क्स। 1, फ्रॉम द पैसेज फाइंड द कोलोकेशंस फॉर द फॉलोइंग। कोलोकेशन मतलब क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसा ग्रुप होता है वर्ड्स का दैट ऑफन गो टुगेदर, जो आर लाइकली टू ऑकर टुगेदर, जो वर्ड्स एक साथ आ सकते हैं। ओके, फ्रेलैंड डॉट 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 वीक, सिंपल डॉट डॉट क्लोथ्स, डॉट डॉट हर्ट स्मॉल हर्ट, कॉमन डॉट डॉट कॉमन फोक। ओके, ये कोलोकेशंस है अपने पैसेज में। सेकंड, द फॉलोइंग कंपाउंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज आर स्पेल्ड इन जम्बल्ड ऑर्डर, रीअरेंज द लेटर्स टू मेक देम मीनिंगफुल। देखो यहाँ पे जम्बल्ड ऑर्डर में एक वर्ड लिखा है, वो कौन सा है, बॉडीगार्ड। बॉडी और गार्ड दोनों मिलके कंपाउंड वर्ड बना है। ये कुछ वर्ड्स लेटर्स है उसको हमने नथिंग मतलब नो और थिंग, ये दोनों मिलके नथिंग हुआ है, इसे हम कंपाउंड कहते हैं। थर्ड, चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। चूज एन एडवर्ब दैट कोलोकेट्स विद ब्रेथड, वो कैसे सांस लेता था, ब्रेथड हेवीली। ओके, रिनाउन्ड मीन्स, रिनाउन्ड मीन्स क्या है, फेमस। फोर्थ, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज, टू थिंक एंड एक्ट यूजिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, उसको हम विजडम कहते हैं। कमिंग नियर मतलब अप्रोचिंग, गॉट डाउन और गॉट ऑफ, डिसमाउंटेड, यहाँ पे यू होना चाहिए, डिसमाउंटेड। अ स्मॉल हट और स्मॉल हाउस, सेल। ए टूल फॉर डिगिंग, स्पेड।
कंटिन्यू डूइंग समथिंग रिज्यूम्ड फॉर अ शॉर्ट टाइम, मतलब फॉर अ व्हाइल, ये फ्रेज है। द एक्ट ऑफ गिविंग समथिंग टू समबडी, हैंड ओवर, ये भी फ्रेज है। स्ट्रेच आउट मतलब पुश आउट, ये फ्रेज है। गो डाउन मतलब सिंक। नॉट एबल टू मूव मतलब स्टक। फिफ्थ, गिव सिनोनिम्स मतलब सिमिलर वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। एक्सटेंसिवली मतलब वाइडली। फेमस, पॉपुलर, सेलिब्रेटेड मतलब रिनाउंड। पीपल, फोक। वेलकम्ड मतलब ग्रीटेड। वीक, फ्रेगाइल, डेलिकेट मतलब फ्रेल। हिट, स्ट्रक। सॉइल, अर्थ। कंसर्न्स मतलब अफेयर्स। सिक्स, गिव एंटोनिम्स मतलब अपोजिट वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। ओके, अननोन और अनसंग मतलब रिनोन्ड, अपोजिट रिनोन, सॉरी। स्टुपिडिटी अपोजिट विजडम। ऑलवेज अपोजिट नेवर। नोबल अपोजिट कॉमन। एक्सपेंसिव अपोजिट सिंपल। अहेड अपोजिट इन फ्रंट, बिहाइंड। डिपार्टेड ऑब्लिक लेफ्ट और लेफ्ट, अपोजिट अराइव्ड। स्ट्रांग और फिट, अपोजिट फ्रेल और वीक। अ ग्रेट डील, अपोजिट अ लिटल। स्टूपिड, फुलिश, सिली, अपोजिट वाइज। रॉन्ग, अपोजिट राइट, रॉन्ग राइट। समथिंग अपोजिट नथिंग। अबंडन्ड और लेफ्ट, अपोजिट रिज्यूम्ड। साउंड ऑब्लिक और नॉइज, अपोजिट साइलेंस। फ्रेश, एनर्जेटिक, लाइवली, अपोजिट टायर्ड। स्टार्टेड, बिगैन, कंटिन्यूड, अपोजिट स्टॉप्ड। सैट अपोजिट रोज। सम, मच, ऑल, अपोजिट नन। नो वन अपोजिट सम वन। सेवन, पिक आउट कंपाउंड वर्ड फ्रॉम द पैसेज। कंपाउंड वर्ड क्या होता है? दो वर्ड मिलके एक वर्ड बनता है, बॉडी और गार्ड, बॉडी गार्ड, बॉडी गार्ड। सम और वन, सम वन। देयर फोर, देयर फोर। ए फोर, एक्टिविटीज बेस्ड ऑन कंटेक्चुअल ग्रामर। टू मार्क्स के लिए, वन, से वेदर द वर्ब्स अंडरलाइनड इन द सेंटेंसेस आर फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। ही डिसाइड्स टू गो टू अ हर्मिट। ही डिसाइड, डिसाइड मतलब उसने डिसाइड किया। डिसाइड ये फाइनाइट वर्ब है, मतलब ये वर्ब क्या करता है, खुद का जो काम है वो करता है, फाइनाइट वर्ब। टू गो, टू प्लस वर्ब, ये इन्फिनिटिव होता है, इन्फिनिटिव को हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। आई हैव कम टू यू, वाइज हर्मिट। कम मैं आया हूँ, फाइनाइट है। ओके, द हर्मिट वॉज डिगिंग द ग्राउंड। ये वॉज जो है फाइनाइट है, मतलब वो पूरा कंप्लीट है। डिगिंग, डिगिंग मतलब इसका जो डिग फर्स्ट फॉर्म है उसको आईएनजी सफिक जोड़ा है, तो नॉन फाइनाइट है। द सन बिगैन टू सिंक। बिगैन फाइनाइट है। टू सिंक, टू प्लस वर्ब इन्फिनिटिव, ये नॉन फाइनाइट होता है। ही स्पैट ऑन हिज हैंड एंड रिज्यूम्ड डिगिंग। मेक सिंपल, सिंपल बनाना है, और रीराइट यूजिंग द आईएनजी फॉर्म ऑफ द अंडरलाइनड वर्ड। स्पैट को अंडरलाइन किया है, उसको आईएनजी हमें बनाना है, मतलब स्पैट का फर्स्ट फॉर्म स्पिट। स्पिटिंग ऑन हिज हैंड, स्पिटिंग ऑन हिज हैंड, एंड की जगह हमने क्या किया, ही लिखा अपना सब्जेक्ट, ही रिज्यूम्ड डिगिंग। ये हमारा सिंपल हुआ। दूसरी, दूसरा बात अपना समझो, आफ्टर स्पिटिंग ऑन हिज हैंड, अपने हाथ पर थूकने के बाद, ही रिज्यूम्ड डिगिंग। थर्ड, द हर्मिट वॉज फ्रेल एंड वीक। रीराइट यूजिंग नॉट ओनली डॉट डॉट बट ऑल्सो और एज वेल एज। देखो यहाँ पे एंड ने वीक और फ्रेल, ये दो एडजेक्टिव जोड़े हैं, वीक और फ्रेल। वीक के पहले एंड है, इसका मतलब यहाँ पे हमने हमें बट ऑल्सो लिखना है। ये एडजेक्टिव पहले बट ऑल्सो, और ये एडजेक्टिव के पहले नॉट ओनली लिखना है। द हर्मिट वॉज नॉट ओनली फ्रेल बट ऑल्सो वीक। ओके, एज वेल एज कैसे बनाएंगे, जो एंड है एंड की जगह हम एज वेल एज लिखेंगे। द हर्मिट वॉज फ्रेल एज वेल एज वीक। फोर, द हर्मिट वॉज डिगिंग द ग्राउंड। अंडरलाइन द वर्ब एंड स्टेट इट्स टेंस। वर्ब कौन है? वॉज डिगिंग। ओके, ये पास्ट कंटिन्यूअस, उसे हम पास्ट इम्परफेक्ट और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, ऐसे तीन नाम है उसके। ही डग टू बेड्स, चेंज द वॉइस और बिगिन द सेंटेंस विथ टू बेड्स। ही डग, उसने खोदे, क्या,
व्हाट टू बेड्स, दो पार्ट समझो खेती में, तो इसको हमने अभी आगे लेना है। ये हमारा नया सब्जेक्ट हुआ, टू बेड्स ये प्लूरल है, ये सिंपल पास्ट है। वेयर डग का थर्ड फॉर्म डग, डग बाय ही के ऑब्जेक्टिव केस हिम। द किंग सेड टू द हर्मिट आई हैव कम टू यू टू आस्क यू थ्री क्वेश्चंस। सॉरी, चेंज इन टू रिपोर्टेड और इनडायरेक्ट स्पीच। देखो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है इनवर्ट कॉमा में, ये एसरेटिव है, फुल स्टॉप है, तो हम इसे दैट से जोड़ेंगे। द किंग सेड टू, सेड टू के बदले हमने टोल्ड लिया है। द किंग टोल्ड द हर्मिट दैट आई, आई मतलब कौन, किंग, ही हैव का पास्ट हैड कम टू यू, आपके पास, मतलब हिम, हर्मिट के पास, हिम टू आस्क यू, मुझे, यू मीन्स हर्मिट को, हिम थ्री क्वेश्चंस। ही डिसाइडेड टू गो टू अ हर्मिट हु वॉज वाइडली रिनोन्ड फॉर हिज विजडम। अंडरलाइन द सबॉर्डिनेट क्लॉज एंड नेम इट। इसमें सबॉर्डिनेट क्लॉज कौन सा है, देखो हु से शुरू हुआ है, मतलब ये पहला वाला मेन क्लॉज है। ही डिसाइडेड टू गो टू द हर्मिट, उसने सोचा कि उसको हर्मिट के पास जाना चाहिए, ये मेन क्लॉज है, इसका पूरा मीनिंग निकलता है। हु, जो, कौन, हर्मिट, हु वॉज वाइडली रिनोन्ड फॉर हिज विजडम, ये जो क्लॉज है ये इस पे डिपेंड है, तो ये सबॉर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज है। ओके, हु से, हु मतलब हर्मिट, हर्मिट ये नाउन है, नाम के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है, ये क्लॉज है एडजेक्टिव क्लॉज। वन आवर पास्ड एंड अनादर, री राइट यूजिंग आफ्टर। वन आवर पास्ड आफ्टर अनादर। राइट एनी टू एडवर्ब्स फ्रॉम द पैसेज, पैसेज में से एडवर्ब लिखना है। मोस्टली एलवाई जो सफिक्स होता है वो एडवर्ब्स होते हैं, वाइडली, हेविली। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट सेड नथिंग। हर्मिट ने राजा की बात सुनी लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। री राइट यूजिंग दो, अल्दो और मेक कॉम्प्लेक्स। देखो जिस सेंटेंस में बट होता है, ओके, बट होता है उसके वो सेंटेंस कंपाउंड होता है, तो शुरुआत हम दो अल्दो से करेंगे। दो अल्दो द हर्मिट लिसनड टू द किंग, यहाँ पे कॉमा दिया, कॉमा बट हमने निकाला, हमारा सब्जेक्ट द हर्मिट है, हर्मिट के बदले प्रोनाउन, ही सेड नथिंग। ओके, ये हमारा कॉम्प्लेक्स भी हुआ। और हमारा A5 जो क्वेश्चन होता है वो पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन होता है, पर्सनल रिस्पॉन्स और ओपन एंडेड क्वेश्चन। इसका आंसर हमें खुद से देना पड़ता है, इसका आंसर हमें ऊपर पैसेज में लिख के नहीं देना होता है। ओके, द हर्मिट स्पोक ओनली टू कॉमन पीपल। हर्मिट खाली कॉमन पीपल से, सामान्य लोगों से बात करता था। सो द किंग पुट ऑन सिंपल क्लोथ, इसलिए राजा ने क्या किया, सिंपल क्लोथ पहने। डू यू थिंक, आपको लगता है क्या, द किंग होप्ड, ये राजा को आशा थी, टू बी मिस्टेकन फॉर अ कॉमन मैन, कि वो कॉमन मैन समझे, और वॉज ही जस्ट शोइंग दैट, और वो दिखा रहा था कि ही वॉज अ हम्बल पर्सन, कि वो हम्बल पर्सन है करके, वो दिखाने के लिए उसने ऐसे कपड़े पहने थे क्या। व्हाट शोज दैट द हर्मिट न्यू हिम टू बी द किंग, और कौन सी चीज़ ऐसी दिखाती है कि हर्मिट ने पहचाना उसको कि वो राजा है करके। ओके, आई होप आपको ये अच्छी तरह से लिख सकते हैं क्वेश्चन, ट्राई करो, आपको आएगा। और आई होप ये पैसेज आपको अच्छी तरह समझा है। इफ़ यू अंडरस्टूड इट वेल, प्लीज़ शेयर टू योर फ्रेंड्स, लाइक इट। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ टेल मी इन कमेंट बॉक्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, थैंक्स।